समाज सेवा करने के कई तरीके हैं। अगर मदद करने का जज्बा हो तो किसी भी प्रकार से उनकी मदद कर समाज सेवा की जा सकती है। इसका एक उदाहरण जिला कांगड़ा के छतर गांव की एक दंपति है। दंपति को उनके घर में जन्म से विकलांग अपने जिगर के टुकड़े के दर्द के एहसास ने ऐसी राह दिखाई कि उन्होंने क्षेत्र के दिव्यांग बच्चों के लिए गांव में अपने घर में ही एक दिव्यांग बच्चों का आश्रम खोलकर समाज के लिए अनूठी मिसाल पेश की है। बिना सरकारी आर्थिक मदद के नीरज शर्मा और उनकी पत्नी अलका शर्मा ने न केवल आश्रम के भवन निर्माण किया बल्कि आश्रम में अत्याधुनिक मशीनों और चिकित्सकों की भी व्यवस्था की। इस दंपति के अथक प्रयासों से कांगड़ा जिले के फतेहपुर तहसील के क्षेत्र छत्रगांव में आज करीब 60 दिव्यांग बच्चों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। इनमें करीब आधा दर्जन दिव्यांग बच्चे ठीक होकर चलने फिरने भी लग गए हैं। पिता प्रेमचंद व माता कृष्णा देवी के घर जन्मे नीरज शर्मा फार्मा कंपनी लिफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड के मार्केटिंग विभाग में जोनल सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। नीरज शर्मा की शादी अलका शर्मा के साथ हुई। इस दंपति पर 8 साल पहले एक बेटे आर्यन ने जन्म लिया। दुर्भाग्यवश आर्यन 100% अपंग पैदा होने की वजह से जन्म से लेकर अब तक बिस्तर पर है। अलका शर्मा की सोच थी कि इलाके में ऐसा आश्रम खोला जाए जहाँ दिव्यांग बच्चों को रोजाना देखभाल की जा सके। इसी सोच को अमलीजामा देते हुए अपने दोस्तों सगे संबंधियों से विचार विमर्श करके नीरज शर्मा ने आश्रम की नींव रखी। आश्रम की एम्बुलेंस हर रोज क्षेत्र के दिव्यांग बच्चों को आश्रम में लेकर आती है और शाम को घर छोड़ने जाती है। आश्रम में प्रतिदिन अपंग बच्चों की फिजियोथेरेपी स्पीच थेरेपी की जाती है। आश्रम में फिजियोथेरेपी का डॉक्टर नियमित सेवाएं प्रदान कर रहा है। समय समय पर आश्रम में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपंग बच्चों की जांच भी करवाई जाती है। अभी तक कई दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है जो पहले चल फिर नहीं सकते थे और लंबे समय से बिस्तर पर थे। आश्रम के संचालक अलका शर्मा ने बताया कि उनके बेटे की हालत ने उन्हें यह आश्रम खोलने की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी कुछ मदद करे तो इस आश्रम को बड़े स्तर पर चलाया जा सकता है जिससे इलाके के बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों को लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ पे दिव्यांग बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, दिव्यांग बच्चों की फिजियोथेरेपी होती है। हम ये 1 साल से ये सेवा कर रहे हैं और यहाँ पे पहले 20 बच्चों की इनरोलमेंट थी, अभी 1 साल होते होते 63 बच्चे हो गए हैं मेरे पास। हमारे यहाँ पे बच्चों को फिजियोथेरेपी जो उससे रिलेटेड मशीनें हैं उनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। बच्चों को उनके अटेंडर को और मेरे पास जो 10 बंदों का स्टाफ है सभी का खाना यहाँ पे हम फ्री उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास एम्बुलेंस है जो हम पिक एंड ड्रॉप बच्चों को घर से लाते हैं और घर पे छोड़ के आते हैं शाम को। उसके अलावा हमें थोड़ी स्पेस की कमी है अभी तक, तो जितना हमारे पास है स्पेस अभी हम चाहते हैं कि जितने बच्चे हमने लिए हैं उनको अच्छे से हम उनका ट्रीटमेंट करें, ज़्यादा ना लें। पर जैसे कि अभी पता चल रहा है कि बड़े ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे और ज़्यादा आ रहे हैं तो किसी को मना भी नहीं कर पा रहे हम, तो अभी एक्स्ट्रा सोच रहे हैं स्पेस के लिए कि क्या किया जाए। अगर सरकार तक मेरी ये बात पहुंचती है तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हमें थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही है तो प्लीज हमारी मदद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।